अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं क्लॉक टावर के बिल्कुल सामने हूँ और आज इंशाल्लाह हम विज़िट करेंगे क्लॉक टावर की जो मार्केट है, नीचे जो मार्केट है इंशाल्लाह कुछ मार्केट का हम विज़िट करेंगे। तो आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है जी क्लॉक टावर। ये क्लॉक टावर है और इसके दोनों साइडों पे बाकी टावर्स हैं और यहाँ से है इंट्रस क्लॉक टावर मार्केट की। तो अंदर चलते हैं, अंदर चल के मार्केट का विज़िट करते हैं। ये देखें जी, बोर्ड लगा हुआ है वक्फ अल मलिक अब्दुल अजीज़ अल हरमैन अश्शरीफ़ैन, किंग अब्दुल अजीज़ की तरफ से वक्फ है। जो यहाँ की कमाई है वो किंग अब्दुल अजीज़ की तरफ से हरमैन शरीफ़ैन के लिए है। तो यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे। ये देखें लिखा हुआ दुखूल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हम मार्केट में समझ लें कि दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हो के ये माशाल्लाह तबारकअल्लाह पूरा हॉल, साइडों पे जो है वो शॉप्स हैं, इस तरफ भी शॉप्स है। ये इतर की जो दुकानें हैं ये हैं, बाकी बहुत सारी वो देखें अल फजर की शॉप है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाई थी और भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि अब्दुल्ला भाई अल फजर की जो दुकान है, अल फजर की जो घड़ी हैं, उनका भी एक व्लॉग बनाइए। तो आज मेरा ख़्याल है कि यहाँ से बिस्मिल्लाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये है जी जो घड़ी है अल फजर की। अभी बेलसार मकतूब है ना, अल गुमी या अल मुतर, ये जो लिखा है ना, ये रेट लिखे हुए हैं, ये रेट हैं और ये हैं घड़ियाँ अल फजर की घड़ियाँ। ये देखें यहाँ पर इनका रेट और ये है डिज़ाइन। अलफजर की जो घड़ी होती माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छी घड़ी होती है। बेसिकली जो नमाज वग़ैरह के बारे में आपके इलाके के हिसाब से ये जो घड़ियाँ होती हैं, आपके इलाके के हिसाब से अपना टाइम चेंज कर लेती हैं। ये देखिए, ये सारे डिज़ाइन हैं इसके अंदर। डिज़ाइन और रेड हर चीज़ इन्होंने। ये 240 की है, इसका अगर आप देखें ये है जी 240 की, माशाल्लाह। इस तरफ अगर देखें छोटी घड़ियों के साथ साथ ये वाली घड़ियाँ भी हैं। ये देखिए इसका रेट लगा हुआ है 390। चले आगे चलते हैं, कुछ और भी विज़िट करते हैं साथ में। इस तरफ जो शॉप है ये है इत्र की। एक वीडियो मैंने होलसेल इत्र की भी बनाई जो इससे पहले मैंने अपलोड की है, अद्दखील लिलऊद। ये है इत्र की दुकान, काफ़ी अनवा के आपको यहाँ पर इत्र मिलेंगे माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इत्र के अलावा और यहाँ पर क्या है हम अगर देखें तो यहाँ पर ये देखें खजूर की जो शॉप है, इनके पास मुख्तलिफ अनवा की खजूर होती है और इसका यहाँ पर रेट भी लिखा हुआ है। ये देखें 33 साल की डिबिया 150 ग्राम।
ये पूरी खजूर वगैरह है और हर एक का जैसे आप देख रहे हैं कि रेट सभी का लिखा हुआ है साथ साथ। इसके अलावा आगे हम चलें तो इस तरफ है जी ये तस्बीह की दुकान, मुख्तलिफ अनवा की जो तस्बीह है ये देखें, ये रेट लिखा हुआ है 85 रियाल। मुख्तलिफ अनवा की, मुख्तलिफ डिज़ाइन की आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। ये देखें अंगूठियाँ हैं, ये सारी की सारी तस्बीहात हैं। और यहाँ पर आप अगर कोई अल्लाह के नाम पे देना चाहते हैं तो जमैया जमीयत रेस अल खैरिया ज़कात दे सकते हैं, कफ़ारा दे सकते हैं, सुखिया माँ पानी पिला सकते हैं। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर, आप यहाँ से अपनी खिदमत ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के थोड़ा सा और विज़िट कर लें। मेरा ख़्याल है कि ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर का विज़िट करते हैं ऊपर का। ये तीन फ्लोर हैं पूरे के पूरे, इसी कुछ रेस्टोरेंट हैं। नीचे मेरा ख्याल रेस्टोरेंट कोई नहीं है, लेकिन ऊपर है रेस्टोरेंट ना। ये है लिफ्ट्स ऊपर लाने ले जाने के लिए। ये देखें सामने कॉफ़ी शॉप है ओनज़ा, ओनज़ा जो है कॉफ़ी शॉप। सलाम अलैकुम। ये देखें इनके पास ये सैंडविच है। कम संदेश तलवा है देना? हाँ 17 16 रियाल की है ना। दिखा दो कुकीज़ ये एक 11 रियाल का कुकीज़ जो है, एक रियाल एक 11 रियाल का। इस तरीके से इनके पास ये सारा कुछ है। और ये देखें ये चॉकलेट फ्लेवर जूस है, और इस तरफ और कई सारे फ्लेवर्स हैं। कॉफ़ी भी आप पी सकते हैं, बहुत कुछ है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। आगे चलते हैं, आगे जाके आगे का भी विज़िट करते हैं। ये ऊपर से अगर हम देखें तो इस तरीके का है नीचे का व्यू। मेरे ख़्याल से ज़्यादातर यही चीज़ें हैं यहाँ पर जो मिल रही, ये परफ्यूम हो गए, खजूर वगैरह हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, कॉफ़ी शॉप हो गया, स्टारबक्स। ये देखें यहाँ पर स्टारबक्स भी है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मुख्तलिफ रेट, मुख्तलिफ डिज़ाइन, मुख्तलिफ चीज़ें। यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ब्रीसम। शॉप का नाम ब्रीसम है, लेकिन इनके पास माशाल्लाह देखें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें ये भी खूबसूरत डिज़ाइन है, ये रखाले के मोटा है माशाल्लाह, धागे से सिल्वर धागे से लिखा हुआ। ये सामने देखें काबा शरीफ के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मिल रहे हैं। फी गिलाफ अल काबा, असली गिलाफ अल काबा
قماش اسود ايوه قماش اسود في اصلي مسمو راكب على ها نفس المصنع نفس المصنع ان کے پاس اوریجنل ہے لیکن خانہ کعبہ سے اترا ہوا غلاف کعبہ نہیں ہے باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا آرٹیفیشل ہی ہے لیکن ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں یہ بھی ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ خوبصورت ہے چلیں باہر کی طرف چلتے ہیں اس کے علاوہ دیکھتے ہیں اور کیا یہاں ہمیں مل سکتا ہے یہ میں سمجھ لے کے P3 پہ آیا ہوں اور P3 پہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریسٹورینٹ وغیرہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہے برگر شاورما شاورما ہے اور اس طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ دیکھیں وندر گروپ نام کے کیا کہتے ہیں کیفٹیریا ہے یہ دیکھیں یہ کشتی بنائی ہوئی کہ آدھی کشتی ٹوٹی اور آدھی کشتی جو ہے اس طرف آئی ہوئی نا اس کے اوپر تک ہم دیکھیں وہ بھی یہی بنایا ہوا ہے کہ جیسے کشتی جو ہے ٹکرا گئی اور اس کا یہ حال ہو گیا خوبصورتی ماشاءاللہ ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ان کے پاس جو کچھ مل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ریڈ ہلکا سا بات کر لیں کم ہے بھی بہن تک مادہ 7 ریال 12 ریال باقی سب 7-7 ریال کے لیکن اسفل 7 ریال یہ جو نیچے ہیں یہ سارے کے سارے 7-7 ریال کے ماشاء اللہ تبارک اللہ اس طرف دیکھیں یہ ماشاء اللہ آئس کریم کا کیا ریٹ ہے یہ ذرا پتہ کر لیں محمد مکمل کاسل کبیر آدھی 50-40-50 یہ ہے جی آئس کریم کی بہت ساری کوالٹیز ہیں بہت ساری اور یہاں پر ان کے نام لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ نام لکھے ہوئے ہیں ہر آئس کریم کا حساب سے نام یہ ہے جی P3 میں یہ شاپس ہیں یہ سامنے ہے میک ڈونلڈ یہاں پر اگر ہم کھڑے ہو کے دیکھیں یہ سامنے میک ڈونلڈ ہے اور ایک کافی شاپ وہ بھی ہے آئس کریم ہے ادھر ہم دیکھیں KFC ہارڈیز اور بھی مختلف ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ دیکھیں باسکن روبنس آئس کریم وغیرہ ماشاءاللہ یہاں پر کھانے پینے کی بہت ساری اشیاء ہیں اور ہر چیز تقریباً برینڈڈ ہے نیچے کا ماحول یہاں سے دیکھیں اگر ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت زبردست سین بہت زبردست نظر آ رہا ہے جیسے حرم شریف کا ویو ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے اگر آپ کسی ریسٹورینٹ سے کچھ لیتے ہیں کھانے کے تو آپ یہاں پر بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو حرم ویو بھی نظر آ یہ سامنے ہے کنگ عبد العزیز گیٹ اور تھوڑی دیر پہلے میں جو کھڑا تھا تو یہ جو جگہ ہے اسکرین کے درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کھڑا تھا اس طرف اگر دیکھیں یہ ایک اور ماشاءاللہ خوبصورت سی شاپ ہے مطعم ہے ریسٹورینٹ ہے میرا خیال ہے بوفے مفتوح یہ ہے بوفے مفتوح اوپن بوفے ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہوگی اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کا بھی ماشاءاللہ وزٹ کرتے ہیں یہ ہے جی اللہ آپ کا بھلا کرے سویٹ ڈش
स्वीट्स वगैरह हैं यहाँ पे, माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और ये बैठकर खाना खाने के लिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि बूफे सिस्टम इनका कैसा है। माशाल्लाह ये बैठने के लिए है, एंड में इनका देखेंगे कि रेट वगैरह क्या है। ये देखें सलाद वगैरह, ये टोटल सलाद है, ये चावल, इस तरफ चावल है, ये सालन शुरू हो जाता है, ये सब्जी, ये इनके सालन वगैरह है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, जाके पूछते हैं कि इनका क्या तरीक़ा कार होता है। ओपन बूफे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो मैंने अभी यहाँ से पता किया है कि इनका वैसे क्या रेट है। 100 रियाल का एक बंदे का खाना है, चाहे वो दोपहर का खाना खा लें या रात का खाना खा लें, लंच कर लें डिनर कर लें, एक ही बात है। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।